अगर आपको भी एक खाना बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर देखें। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल। तो यहाँ पे मैंने चार अंडे लिए हैं, एक आलू, आलू ऑप्शनल है, प्याज, हरी मिर्च, धनिया के पत्ते, नायलन सेब। यहाँ पे मैंने एक चटनी और दो सॉस लिया है, ये खजूर और इमली की चटनी है, ये टमाटो चिली सॉस है और ये ग्रीन चिली सॉस है। आप इसकी जगह पे हरी चटनी या फिर इमली की चटनी जो हम चाट में डालते हैं ना, आप वो चटनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक, जीरा पाउडर और ये चाट मसाला। तो सबसे पहले हम अंडे को कुकर में बॉईल कर लेंगे। आलू को इस तरह से बीच से काट करके डालें, आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें, 1 गिलास से भी थोड़ा कम। यहाँ पे मैंने पानी डाला है, आप पानी का लेबल देख सकते हैं, अंडे के नीचे ही पानी है, तो आप इतना ही पानी डालें, इसमें ज़्यादा पानी अपना डालें। और कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, कुकर से सारे गैस निकल गए हैं। अब हम इसे ढक्कन खोल करके अंडा को चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे अंडे और आलू मैंने प्लेट में निकाल लिया है, इसे थोड़ा देर तक हम ठंडा होने देंगे, ये थोड़ा सा भी गर्म है, उसके बाद हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो आलू के पतले स्लाइस कर लें, अंडों के बीच में इस तरह से कट लगा दें। तो यहाँ पे मैंने अंडे और आलू को अच्छे से स्लाइस करके काट लिया है। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दें और 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने दें। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे बॉयल भी खा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे गोल्डन ब्राउन करूँगी। अच्छे से गर्म हो चुका है और गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें और सभी अंडे और आलू को हम इसमें डाल देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे एक बार हम पलट करके चेक कर लेंगे। तो एक साइड से ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है, इसे अभी हमें ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अंडे और आलू सभी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, तो इसको अच्छे से हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अंडे और आलू को अच्छे से अरेंज कर दिया है, तो इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला डाल दें, आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल दें, कटे हुए प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें, हरी मिर्च डाल दें। मैंने यहाँ पे टमाटो चिली सॉस का इस्तेमाल किया है, अगर आप टमाटो केचप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चिली पाउडर डाल दें, धनिया के पत्ते डाल दें, हल्का सा प्याज और डाल दें, ऊपर से टमाटो चिली सॉस डाल दें, इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी डाल दें, ग्रीन चिली सॉस डाल दें, नायलन सेब डाल दें, हल्का सा प्याज और टमाटर हम फिर से इसमें डाल देंगे। तो बॉइल्ड एग चाट की रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।